हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द सुपर हिट जोड़ी मैं बोल सकता हूँ, विपुल शाह, सुदीप्तो सेन एंड अदा शर्मा की एक और नई पिक्चर आने वाली है 15 मार्च को। नाम है पिक्चर का बस्तर, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। हमारे साथ में हमारे आम आदमी क्रिटिक विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। ट्रेलर देखा है आपने, बहुत ही जल्दी रिलीज भी है पिक्चर की, कैसा लगा ये ट्रेलर? 15 मार्च को रिलीज है बस्तर। बस्तर एक गांव है ऐसा जहाँ नक्सलवादी ज़्यादा रहते हैं, खून खराबा ज़्यादा होता है। अमृतलाल शाह, विपुल विपुल अमृतलाल शाह, उसने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर बनाई, रोमांटिक कॉमेडी, जैसे कि आंखें, वक्त, अक्षय कुमार बच्चन साहब के साथ नमस्ते लंदन, कुछ मैसेज भी होता है उसके अंदर। और ये अब कौन से ट्रैक पे चले गए? खून खराबे की पिक्चर बहुत आगे, केरला स्टोरी आई, बहत्तर हुरे आई, अभी हमने देख 72 क्या है, 370 आई, तब उसी लाइन में चल रहे थे। फिर लोग देखना पसंद नहीं करते ऐसी पिक्चरें, बहुत ज़्यादा हो गया अभी। अच्छा, ये सब अभी ऐसी पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। कहानी अच्छी है, एक तो फैमिली ऑडियंस आएगी नहीं, और ये फिर वही इंडिया पाकिस्तान, ये आतंकवादी, वो सब, मतलब ये बार बार आप क्यों बता रहे हो? तो वहाँ से ऑडियंस दूर हो जाती है। 370 अच्छी पिक्चर होने के बावजूद कहीं कहीं के जहाँ पर शोज कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? इसी कारण यार, खून खराब है। फिल्म कहाँ चलती है? जहाँ बच्चे आते हैं तो पूरी फैमिली आती है, तो पिक्चर चलती है। तो रोमांटिक फिल्में बनाए, कॉमेडी बनाइए, एक्शन बनाइए, इतना एक्शन भी ना बनाए कि बच्चे ना आए। ये तो फिल्म बहुत खून, ट्रेलर में इतना डेंजर दिख रहा है, इतने अपने जवानों को बंदूक से मारे, दा, 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 दा। तो यार जरा कुछ अजीब सा लग गया। एक रियल इंसिडेंट जो हुआ है हमारे देश में, वो दिखाने की कोशिश की है इन मेकर्स ने। जितने भी रियल हो चुका है, लोगों ने समाचार में, न्यूज में, अखबार में, सब कुछ सबको पता है, पर देखने से एकदम आदमी ये हो जाता है, ये क्या पता है। तो बोला कमजोर दिल वाले बच्चे नहीं देख पाते ना सब। तो मैं तो बोला ऐसी फिल्में ना बनाए तो अच्छी बात है, एक डॉक्यूमेंट्री हो, शॉर्ट फिल्म हो तो ठीक है। ओके, इतनी पूरी कमर्शियल फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले केरला स्टोरी लेके आए थे, ब्लॉकबस्टर हो गई थी वो पिक्चर। तो सभी पिक्चर ब्लॉकबस्टर में, एक दो पिक्चर इस पे तो बहुत ज्यादा कमा ली उसने। तो कुछ कुछ पिक्चर चली है, बाकी पिक्चर अच्छी होने बाजू नहीं चली है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। अदा शर्मा हीरो तो कोई नहीं, अदा शर्मा ही है। कैसी लग रही है ट्रेलर में? ट्रेलर में अच्छा लगता है, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, काम भी सबका जबरदस्त है, लेकिन आखिर में वही होता ना वायलेंस, तो लोगों को नहीं समझा। ओके, थोड़ा ज्यादा वायलेंस दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर में, एंड ऐसी फिल्में थोड़ी कम बननी चाहिए। पूरा एक ट्रैक ही हो गया ऐसी फिल्मों का, ऐसा बोल रहे हैं हमारे विजय जी। एक फिल्म का तो छोटा सा एक पार्ट अगर डाल भी दे तो लोगों को पता चलेगा, अच्छा यहाँ हुआ था ऐसा, ठीक है। अब पूरी की पूरी फिल्म 2-2.5 घंटे की पूरा वही लेके चलोगे, थोड़ा आदमी को कंफ्यूज हो जाता है। ओके, ओके। कुछ लोग बोलते हैं मैं आधी पिक्चर छोड़ के चला है, बहुत ऐसा कभी कभी हो जाता है। यस, नहीं देख पाते लोग, अपने जवान को किसी ने मार दिया तो लोग नहीं देख पाते, चले जाते हैं बंदे। ओके, 15 मार्च को दोस्तों पिक्चर रिलीज होगी, हम आएंगे, हम देखेंगे वो पिक्चर तो हम देखेंगे, और आप तक इसका ऑनेस्ट रिव्यू जरूर लेके आएंगे। ये क्लैश होने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिक्चर योद्धा के साथ में, क्या लग रहा है विजय? उसका भी ट्रेलर आपने देखा है, करण जौहर की पिक्चर है। करण जौहर भी एक्शन में आ गए, हालांकि उसमें पूरी एक्शन तो नहीं होगी, अच्छी खासी होगी, लव स्टोरी वगैरह। हाँ, दिशा पाटनी भी है और एक और हीरोइन है। जी हाँ, देखते हैं अभी करण जौहर के सामने विपुल अमृतलाल शाह क्या करते हैं। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा है बस्तर का, ये हमको जरूर लिख के बताना कमेंट्स में, एंड मिलेंगे आपको 15 मार्च को विद आर ऑनेस्ट रिव्यू विद क्रिटिक ऑफ द मासेस। थैंक यू।